हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल नीट मेड इजी मैं हूं आपकी मास्टर टीचर आने का वेलकम टू दिस दीरीज जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम योर नीट बायोलॉजी सेक्शन और आज जो हम चैप्टर प्रैक्टिस करने वाले हैं दैट इज बच्चों मोर्फॉलोजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत इजी बहुत स्कोरिंग चैप्टर थोड़ा मेमोरी बेस्ड है एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे बट बच्चों ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं जिसमें लर्निंग बहुत ज्यादा होती है एग्जांपल्स बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चैप्टर है नोटबुक पेन कीपर ट्रैक क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं कितने गलत और एंड ऑफ द सेशन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने गलत okay? तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दूंगी आपको 15 और उन्हीं 15 सेकंड में आप जल्दी से ऑप्शन ए बी सी और डी लिख के बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ऑलराइट right? तो आइए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू कॉलम वन में आपके पास कुछ फ्लोरल फॉर्मूलाज गिवन है और कॉलम टू में रिस्पेक्टिव फैमिली के साथ आपको वो फ्लोरल फॉर्मूलाज मैच करने तो नीट इक्कीस का क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम दस गिवन बिलो ब्रासिली फेबेसी सोलनेसी ध्यान से देखो बच्चों कौन कौन से फ्लोरल गिवन है जल्दी से हां जी क्विकली आप सब लोग मुझे सोच के बताएंगे कॉलम वन कॉलम टू को मैच करके कि कौन सा फ्लोरल फॉर्मुला रिस्पेक्टिव फैमिली को बिलोंग करता है तो बच्चों हमने कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स पढ़े एक्चुअली हर एक फैमिली के लिए जो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो विद्यूलाइट सो फिफ्टीन से बताओ वॉट्स फोर थ्री टू वन टाइम पे करेक्ट मैच देखें कोर्स बच्चों राइट कॉम्बिनेशन है ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं ऐसे कुछ डिजिट्स हैं अल्फाबेट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा तो बच्चों अरेंजमेंट जो कि एक अरेंजमेंट है वो आपको नजर आता है इन केस ऑफ फैबेसी तो करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन फॉर ए इज ऑप्शन थ्री और राइट इसके फॉलोड बाय देखें हम कैलिक्स एंड एंड्रोशियम दे आर अटैच टू ईच अदर ठीक है ये एक कंडीशन नजर आ रही है हमें ठीक है ये कंडीशन नजर आ रही है जिसमें कैले कोरोला और, और तो कोरो पर ये फॉर्मुलाज गिवन है और लास्टली बच्चों आपको एक ट्राइमेरस कंडीशन दिख रही है ट्राइमेरस कंडीशन बहुत ही पेक्यूलर कंडीशन है फॉर लिलियमी फैमिली और बच्चों डी ऑप्शन जो है जिसमें टेट्रामेरस फ्लावर की फोर कैलेक्स फोर कोरोला आपको नजर आ रहे हैं टू प्लस टू एंड बच्चो ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट क्लियर तो कुछ ऐसी आपको फ्लोरल फॉर्मुला में क्योंकि ऑब्वियसली वहीं से पूछा जाएगा जो आपकी बुक्स में गिवन है और अफकोर्स आपको कुछ ऐसी इंप्लीकेशन देखेंगे जो आपको क्लियरली बताएंगे कौन सी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मुला है तो आओ देखो स्निप्ट में आप एनसीआरटी स्निप्ट में देख सकते हैं ओल्ड एनसीआरटी की बात कर रहे हैं अभी हम ठीक है सी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मुला गिवन है जिसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है टेट्रामेरस कंडीशन ओके फैमिली कौन सी है मस्टर्ड फैमिली इसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं अरेंजमेंट जो कि एस्टिवेशन है और वेगुलरी एस्टिवेशन आपको नजर आती है लेग्यूमिनोसी और फैबेसी फैमिली में और राइट फ्लोरल फॉर्मुला देख सकते हैं आप अटैचमेंट है बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम एंड्रोशियम और कोरोला के बीच में अटैचमेंट है ओके okay? तो और ऊपर से पेंटामेरस फॉर्म है पेंटामेरस फॉर्म ऑफ फ्लावर जो है रिप्रेजेंटेशन है सोलनेसी फैमिली की सोलनेसी फैमिली की राइट एंड लास्टली बच्चो प्राइमरस फ्लार पेरियंथ कंडीशन ऑब्वियसली हमें नजर आती है लिलियसी में लिलियसी में और राइट right? तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो आपको जरूर करनी है ओके विदाउट एनी डाउट अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों अभी आपको इनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है ये चारों ही फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू अपडेट दैट हैज कम फिर से रिवाइज होगा तो हम इसको ध्यान से देखेंगे कि कौन सी फैमिली करनी है या कौन सी हम थोड़ा लाइटली भी कर सकते हैं और राइट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं जो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट करती है नीट दो में पूछा गया क्वेश्चन प्राइमरी रूट्स प्रॉप रूट्स लेटरल रूट्स फाइब्रस रूट्स रूट्स जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट करेंगी डायरेक्टली रेडिकल से नहीं इमर्ज करेंगी ओके okay? तो प्राइमरी रूट कहेंगे उन्हें प्रॉप रूट कहेंगे लेटरल कहेंगे फाइब्रस कहेंगे 15 सेकंड्स हारियप जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर यस व्हाट्स द करेक्ट मैच हारियप लास्ट 5 सेकंड्स फॉर यू टू आंसर 3 2 1 टाइम अप ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज फाइब्रस फाइब्रस रूट्स रूट्स ओके रूट सिस्टम में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है कि जो रूट्स रेडिकल से इमर्ज करती हैं दे आर यू नो दे आर नॉर्मल काइंड ऑफ रूट्स राइट टैप रूट्स लेकिन बहुत सारी रूट्स होती हैं जो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट करेंगे और उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स विच आर जनरली सीन इन मोनोकॉन्स जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है व्हीट प्लांट ओके तो ये आपका रूट के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है राइट नेक्स्ट करेक्ट पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्टस ओवर थैलमस तो थैलमस हम जानते हैं किसको बोलते हैं जो हमारा पार्ट होता है जिसके ऊपर अदर पार्ट ऑफ फ्लावर रेस्ट करते हैं तो मस्टर्ड प्लांट में पूछा गया स्पेशल केस स्पेशल एग्जाम्पल कि फ्लोरल पार्ट्स थैलमस के ऊपर कैसे रेस्ट करते हैं उनकी करेक्ट पोजिशन क्या है डायनोशियम हाइस्ट पोजिशन पे होता है

फ्लोरल वर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम ये कैसा टॉपिक है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपनी बुक में से जनरली इसमें से डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन या डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन या एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ओके सो प्लीज मार्क इट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना बुक में और ध्यान से पढ़ो ऑप्शन टेन सेकेंड मोर जल्दी से पढ़ो फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू स्टेम विद रिस्पेक्ट टू थैलमस और वो भी मस्टर्ड प्लांट के केस में आपको सोचना होगा कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है और okay? 15 seconds, आप, जल्दी से बताओ वी राइट आंसर व्हाट्स दी राइट आंसर हरिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस थ्री टू वन Time up. Of course, बच्चों without any doubt, I hope आपने सही आंसर किया है. Gynosium topmost position पे है. पे बाकी जो parts है, other जो हैं, हैं वो Gynosium के नीचे से करेंगे. Situated below it. तो आप इसको मार्क कर लो. आप अपनी बुक में मार्क कर लो मस्टर्ड प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था मस्टर्ड में कंडीशन होती है हाइपोगाइनस फ्लावर वाली बच्चों जिसमें गायनोशियम सबसे सबसे

So सबको ये समझ आ गया, clear हो गया। हो तो साथ साथ के साथ स्निप्स देख रहे हैं, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है डिफरेंट पार्ट में से पूछ लिया है रे फ्लोरेट्स में कैसी ओवरी होगी सुपीरियर ओवरी ओवरी हाफ इंफीरियर ओवरी इनफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी ओवरी हाफ इंफीरियर ओवरी या इंफीरियर ओवरी नीट 2020 का क्वेश्चन हरियप बच्चों रे फ्लोरिट्स किसका एग्जाम्पल है 15 सेकेंड्स हरियप आप, आपका टाइमर शुरू हो गया ऑलरेडी इट्स ऑन योर स्क्रीन सब लोग जल्दी से बताएंगे व्हाट्स दी राइट आंसर वेरी लेस टाइम हरियाप थ्री

And ray of okay? कैसी कंडीशन है ऊपर right? से अराइज करेंगे तो ओवरी इज इनफीरियर अदर फ्लोरल पार्ट आर सुपीरियर क्लियर सबको समझ आया नेक्स्ट क्वेश्चन ओवरी इज हाफ इंफीरियर नीट दो हजार बीस का क्वेश्चन ियर है किस केस में मस्टर्ड सनफ्लावर प्लम और देखो, नहीं, 2020 में पूछा गया था. से, तीन क्वेश्चन सेकेंड ओवर इज हाफ इंफीरियर इन विच केस मस्टर्ड सनफ्लावर प्लम और ब्रिंजल हांजी लास्ट फाइव सेकंड्स फोर थ्री टू

करेक्ट फीचर्स ऑफ नीट दो हजार बीस कांगो एंड कोकोनट फ्रूट मैंगो और कोकोनट की राइट right कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करना है इन बोथ फ्रूट इन बोथ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज अट की वेराइटी जो है ड्रूप वाली है एंडोकाप इज एडिबल इन बोथ क्या दोनों में एंडोकॉप पार्ट एडिबल है तो फाइब्रस पार्ट मिलेगा मीजो के केस में और फ्लैशी एडिबल पार्ट मिलेगा मीजो का इन केस ऑफ मैंगो इन बोथ फ्रूट फ्रॉम ओवरी क्या दोनों में फ्रूट मोनोकापलरी ओवरी से डेवलप करता है तो आपको राइट स्टेटमेंट्स चूज करनी है ऑप्शन आपके सामने ए बी सी और डी एबीसीकेंड्स जल्दी से रीड करो केयरफुली सारी की सारी स्टेटमेंट्स हरे अब एंड लेट मी नो द राइट आंसर टाइमर yes. जल्दी से ऑन योर स्क्रीन टाइम इज रनिंग कॉमेंट सेक्शन में लिखो ऑप्शन ए बी सी और इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू फ्रूट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट थ्री टू एंड वन अफकोर्स बच्चों राइट स्टेटमेंट जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है दन थ्री एंड फोर दोनों के फ्रूट्स को हम ड्रूप कहते हैं कोकोनट का मीजो का पार्ट फाइबरस होता है मैंगो का मीजो का फ्लैशी होता है जो हम खाते भी हैं दैट्स एडिबल द फ्रूट्स फ्रॉम ओवरी ठीक है एक ही कापलर वाले एक ही कापल वाले फ्लावर से डेवलप करती हैं एंड बच्चों एंडोकाप इज एडिबल इन बोथ नहीं बच्चों एंडोकाप नहीं खाया जाता है इन बोथ द केसेस दैट्स हार्ड दैट्स ओके तो दन थ्री एंड फोर राइट नेक्स्ट तो ऑलरेडी हमारे सामने पैराग्राफ फ्रॉम एनसीआरटी इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू तो पहली स्टेटमेंट यही थी कैसी ओवरी से डेवलप किए हैं मोनोकापलरी तो ये भी हमने राइट मार्क किया है मैंगो में पेरिकाप वेल डिफ्रेंशिएटेड है एपीकाप में मिडल फ्लैशी एडिबल पार्ट में जिसको हम मीजो काप कहते हैं ये भी स्टेटमेंट में गिवन था और इनर पार्ट कैसा है एंडोकाप है जो कि स्टोनी है लेकिन अगर कोकोनट की बात करें जो कि ऑल्सो एक ड्रूप फ्रूट है बच्चों इसमें मीजो का आपकी कंडीशन कैसी है फाइबरस मीजो का आपकी नेचर कैसी है फाइबर लाइक ओके क्लियर सबको नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन या तो आपको डायग्राम देके पूछ लेंगे कि कौन सी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है या फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है या फैमिली का नाम देके आपको इजी वे में पूछा जाएगा कि यू नो आइडेंटि करेक्ट फ्लोरल फॉर्मुलाइडेंटिताइडेंटिफाई करने के लिए ऑल्दो आपको कंप्लीटली अच्छे से पता होना चाहिए फ्लोरल फॉर्मूला बट स्टिल एक बहुत सिंपल क्लू है जो आपको बाकी यूनो you ग्रुप know, बाकी अदर फैमिली से आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा नीट दो हजार बीस का क्वेश्चन तो ए बी सी और डी ऑप्शंस आपके सामने अच्छे से इनको केयरफुली ऑब्जर्व करो आई होप आप सबको क्लियर है नहीं तो आप जूम इन करके देखो थोड़ा सा ठीक है वैसे तो ये फॉन्ट इज क्लियरली विजिबल बहुत सिंपल क्वेश्चन सारे वही फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है ऑलरेडी ओके तो आप करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो लिली फैमिली के लिए लिली फैमिली के लिए नीट 2020 का क्वेश्चन आई होप यू हैव सीन द ऑप्शन पंद्रह सेकेंड बच्चों जल्दी से बताओ अच्छी राइट आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हांजी हरे हरिया टाइम अप। ऑफ़ कोर्स बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज ही के सेशन में हमने किया है उसमें मैंने आपको एक सिंपल क्लू बताया था लिलियसी फैमिली है तो आपको पेरियंथ नजर आएगी और एंड्रोशियम और जो पेरियंथ है आपको दोनों ही ट्राइमेरस फॉर्म में ट्राइमेरस कंडीशन में नजर आएंगे ऑलराइट तो वो जो ट्राइमेरस कंडीशन है वो इसको डिस्टिंक्ट बनाती है फैमिली को फ्रॉम दी अदर ग्रुप्स क्योंकि बाकी सब में हमें या तो पेंटामेरस कंडीशन इनफैक्ट तीनों में ही पेंटामेरस कंडीशन गिवन है ओके okay? क्लियर तो ये बहुत ही सिंपल था आइडेंटिफाई करना आप देख सकते हो लिलीएसी फैमिली का फ्रॉम ओल्ड एनसीआरटी बुक ठीक है अभी न्यू एनसीआर बुक में नहीं है बट फिर भी हमें अच्छे से करनी है नीट एग्जाम के लिए फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने कैसे पेरियंथ जो है अरेन्ज है एंड ऑल्सो हर एक पेरियंथ पे हमें अटैच मिलेगा एनरोइट तो दैट्स दमूला फॉर लिली फैमिली राइट क्लियर सबको

मस्टर्ड, चाइना रोज एलस्टोनिया कैलोट्रोपिस्ट पंद्रह सेकेंड बचो अब जल्दी से अपना राइट right आंसर दो क्विकली बताएंगे सब लोग मुझे यस, फोर थ्री टू वन टाइम कोर्स बच्चों राइट आंसर विदाउट एनी डाउट वर्ल्ड फाइलोटैक्सी आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ एल्स्टोनिया एल्स्टोनिया एनसीआरटी बुक का एग्जांपल है कर ले इन पास एक पिक्चर गिवन है जो आपको वर्ल्ड अरेंजमेंट दिखा रही है मतलब एक ही टिप पे एक्चुअली एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीव्स एक वर्ल्ड मैनर में अराइज करेंगी ठीक है तो ये पिक्चर आपको क्लियर अरेंजमेंट दिखा रही है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एक ये पॉइंट है ऊपर ओके सो इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट नोड एक नोड से, से बहुत सारी मल्टीपल करें तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ एंड तो इसके लिए मैंने आपको इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाने के लिए आपको यू नो नैचुरल कंडीशंस में जाके आपके लिए शॉर्ट बनाया है ओके okay? तो आप देख सकते हैं इट चैनल विदांत नीट इंग्लिश ऑल्सो ठीक है वेदांतु नीट इंग्लिश चैनल पे एक शॉर्ट अवेलेबल है जिसमें आपको सब तरह की फाइलोटैक्सी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो सब लोग जाके जरूर एक्सप्लोर करें आपको रटना नहीं पड़ेगा आप इजिली लर्न कर पाएंगे ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन दिनल पार्ट इज वॉट किस तरह की प्रेजेंटेशन की बात हो रही है अगर ओव्यूल्स इनर वॉल पे या पेरिफेरल वॉल पे प्रेजेंट हैं

हमें उस उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जिनके बारे में हमने नोटिफिकेशन पढ़ी है ऑलरेडी रिड्यूस सिलेबस में बट स्टिल हर एक क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे रेपिटेशन के चांसेस बनते हैं right? 15 seconds, जल्दी से बताइए इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट पे अगर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे लास्ट फाइव सेकेंड थ्री टू वन वैसे बच्चों ध्यान से देखो तो आंसर क्वेश्चन में ही ऑलरेडी प्रेजेंट था ओके पेरिफेरल पार्ट मतलब वॉल्स की बात हो रही है और वॉल्स को हम यू नो पेराइटल पार्ट से समझ सकते हैं पेरिफेरी मतलब ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे इनर वॉल ऑफ द फ्रूट पे दैट इज एट पेराइटल साइड ओके तो राइट right आंसर ये देखो सिचुएशन दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन ओके क्लियर सबको तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कोई एग्जाम्पल नहीं आपसे पूछा गया स्पेसिफिक पे सिर्फ एक कंडीशन पूछी गई है कि ऐसी सिचुएशन में हम ओवरी की प्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे और राइट नेक्स्ट बाय कॉपलरी ओवरी दो कापल से डेवलप हुई ओवरी विद ऑब्लिकली पेस्ट सेप्टम ऑब्लिकली मींस थोड़ा एक एंगल पे थोड़ा टेढ़ा जो है अगर सेप्टम प्रेजेंट है दो कार्पल्स के बीच में इन एन ओवरी तो ऐसी कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है ब्रासिका एलोवेरा सोलेनम सेस्बेनिया नीट 2019 का क्वेश्चन बच्चों अगेन ये क्वेश्चन मैं कहूंगी आपकी फैमिली पार्ट से पूछा गया फिर से आपसे फैमिली से ही क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा के ध्यान से सोचो आपने बाय कापलरी ओवरी ऑब्लिक सेप्टा के साथ कौन सी फैमिली में पड़ी है सो दैट्स अ

जो शायद ऑब्लिक सेप्टा के साथ मेंशन भी नहीं है फीचर्स में ओके okay? लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं दिस इज दी सेप्टा, दिस इज दी सेप्टम और दो आपको ओवरीज़, दो ओवरी के बीच में ही दो यू नो सेगमेंट्स देखेंगे ऑलराइट? तो वो दो सेगमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कार्पलरी ओवरी को बाय ओवरी को इज दैट क्लियर तो समझ आ गया All right. तो ये सोलनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम आपकी स्क्रीन पर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन मैच द्सेंटा टाइपेंटा टाइप्स को मैच करेंगे तो so में आपके पास given है. Basil, exile, parietal, free, central. Column two में आपके पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव गिवन है मस्टर्ड छाइनारोज एंड सनफ्लॉवर नीट दो का क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शंस मार्क करेंगे बेजल एक्साइल पेराइटल फ्री सेंट्रल कंडीशन प्लसेंटा की एंड कॉलम टू में आपके पास गिवन है मस्टर्ड चाइना रोज डायंथ सनफ्लावर सब एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी बुक से नीट 2019 का क्वेश्चन 15 सेकेंड्स जल्दी से मार्क करो कॉलम वन विद कॉलम टू राइट एग्जांपल यस हरी अप एवरीबडी राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन फाइव फोर थ्री

क्लियर तो ये आपके राइट मैचेस लेट्स सी जैसे मैंने आपको कहा था प्रेजेंटेशन वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल राइट सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक्साइल प्रेजेंटेशन पूछा गया था विद एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना रोज पेराइटल प्रेजेंटेशन पूछा गया था ठीक है इसके भी हमारे पास एग्जाम्पल गिवन था मस्टर्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमसे बेसल प्रेजेंटेशन पूछा गया था एग्जाम्पल था सनफ्लावर ओके okay? तो इस तरीके से इवन डायल्थस वाज आल्सो आस्ट ठीक है डायंथस वाज आल्सो आस्ट तो इस तरह से हमारे पास प्री सेंट्रल कंडीशन में इस तरह से हमारे पास राइट मैच करने के लिए एग्जांपल्स आ सकते हैं आप इसको ऑलरेडी स्टार मार्क कर लें बिकॉज दिस पैराग्राफ इज हाईली एक्सपेक्टेड ठीक है फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूमैटोफोर्स अकर इन न्यूमैटोफोर्स कौन से प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं नीट दो का क्वेश्चन कार्निवोरस प्लांट्स में फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में हेलोफाइट्स में समर्स्ड हाइड्रोफाइट्स में न्यूमैटोफोर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स जो कि हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं आदे कानीवरस फ्री फ्लोटिंग हेलोफाइट्स और सम्मर्स्ड हाइड्रोफाइट्स फिफ्टीन सेकेंड्स हरिअप लेट मी नो योर राइट आंसर यस वेरी फ्यूड

नॉट हाइपर सेलाइन बट बहुत हाईली सलाइन होता है right? तो ऐसे प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं तो इन प्लांट्स को एब्सॉर्बन करने के लिए ब्रीदिंग करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यू नो दे ग्रो विच वी कॉल न्यूमैटोफोर्स तो यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल है इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा जो कि कहाँ ग्रो कर रहे हैं स्वैम्प एरियाज में बहुत सारी रूट्स कम आउट आती हैं आउट ऑफ दी ग्राउंड ठीक है से बाहर निकल आती हैं, हैं हैं हैं, करना शुरू करती हैं और ऐसी roots को हम कहते हैं, pneumatophores. Main purposes, क्योंकि ये under the ground, breathe नहीं कर पाती हैलो मीन सॉल्ट रिच कंडीशन में ओके okay? क्लियर तो ये एग्जाम्पल रूट मॉडिफिकेशन से क्लियर नेक्स्ट प्लांट्स विच अंडर गो

अब बच्चों, विच प्रोड्यूस कैरेक्टरस्टिक न्यूमाटोफोर्स एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ विवीपेरी लास्ट फाइव सेकेंड्स फोर थ्री टू एंड वन अफकोर्स बच्चों अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था इट बिलोंग्स टू हेलो फाइट्स जहां पर बहुत ज्यादा सेलिनिटी मिलेगी आपको वाटर में ओके क्लियर ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं ऑफ द ग्रोथ ऑफ न्यू मैटोफोर्स न्यू मैटोफोर्स एंड दे ऑल्सो शो प्रॉपर्टी ऑफ विवीपेरी इनकी जो सीड्स होती हैं वो पेरेंटल प्लांट से अटैच रहती है और वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देती हैं तो so, इसका मतलब है कि ये कैसी कंडीशन है विवीपेरस ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इन बॉगनवीलिया बॉगनवीलिया में जो हमें थॉर्न्स देखने को मिलते हैं आर द मोडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट स्टिप्यूल एडवेंटिशियस रूट स्टेम और लीव नीट दो हजार सत्रह का क्वेश्चन बॉगनवीलिया में थॉर्म जो हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से पार्ट की मॉडिफिकेशन है स्टिप्यूल एडवेंटिशियस रूट स्टेम और लीव हरियान सेकेंड्स टाइम हेज बिगिन जल्दी से बताओ बहुत सिंपल बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन स्टिप्यूल्स एडवेंटिशियस रूट स्टेम और लीव थॉन्स आदि मॉडिफिकेशन ऑफ ओके थ्री टू वन टाइम अपलरेडी बच्चों हमने पढ़ा है कि स्टेम्स आदि यू नो पार्ट विच मॉडिफाइन टू थॉर्न्स और स्पाइंस जो है वो भी यू you नो know, बहुत पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स तो यहाँ पर थॉर्न्स के बारे में बात हो रही है जो कि फॉर डिफेंस प्रोड्यूस करता है प्लांट मॉडिफिकेशन है स्टेम की इंटू थॉर्न्स तो ये एग्जाम्पल डायरेक्टली आपके स्टेम मॉडिफिकेशन पार्ट से फ्रॉम दी एनसीआरटी बुक दैट एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम मे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थॉर्न्स ठीक है हॉन्स हाँ हमें बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल सिट्रस स्पीशीज बॉगनवीलिया डायरेक्ट एग्जाम्पल फ्रॉम यूर एनसी बुक फ्रॉम टॉपिक स्टेम मॉडिफिकेशन दॉडिफिकेशन ऑल राइट क्लियर सबको अंडरस्टूड नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज तो जो पार्ट एडिबल है कोकोनट का एक्चुअल में जो हम खाते हैं विच पार्ट इज दैट नीट दो हजार सत्रह का क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके मोफोलॉजी पार्ट से इट कैन ऑल्सो बी आस्ट फ्रॉम योर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक ओके इज इट कॉल पेरीस्पर्म स्पर्म एंडोस्पर्म और perikarp? तो कौन सा पार्ट एक्चुअली आप ईट करते हैं इज इट वी कैन ऑल्सो कॉल इट एडिबल ठीक है विच पार्ट इज इट फिफ्टीन सेकेंड डायरेक्ट क्वेश्चन हरी अप लेट मी नो द राइट आंसर यस मॉर्फोलॉजिकल नेचर मॉर्फोलॉजिकली एक्चुअल जो पार्ट आप खा रहे हैं वो क्या है प्लांट का फोर थ्री टू वन तो ऑफकोर्स बच्चों इट इज एंडोस्पर्म विदाउट एनी डाउट हमने पहले भी पढ़ा है ऑलरेडी क्लास ट्वेल्थ जो बच्चे पढ़ चुके हैं चैप्टर्स सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर ये एक ओपन कोकोनट है ओके okay, ये हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें यू you नो know, लिक्विड uh, पार्ट नजर आता है ऑलराइट दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दैट इज कोकोनट वाटर ओके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बट बच्चों आसपास जो हमें व्हाइट वाला कर्नल नजर आता है दैट वी जनरली ईट ओके क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो इट इज फाइबरस इट इज स्टोनी, ऑलराइट तो जो अंदर वाला पार्ट एक्चुअली में हम खाते हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट सेलुलर एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट। ओके okay, तो कोकोनट का एडिबल पार्ट न्यूक्लियर कि लिक्विड है आप कोकोनट वाटर के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं फ्री न्यूक्लियर एंड सेलर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेम मॉडिफाइड इन टू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव आर कॉल्ड वॉट फाइलोड एंड क्लेडोड्स स्टेम अगर फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में मॉडिफाइड है ठीक है और परफॉर्म कर रही है फंक्शन लीव्स का सो व्हाट इज दैट केस कॉल्ड उस मॉडिफिकेशन को हम क्या कहेंगे स्टेम की मॉडिफिकेशन को फाइलोड स्केल और क्लेडोड नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन बहुत जनरल टर्म है बच्चों जनरली हमें डिफरेंस पता होना चाहिए फाइलोड एंड फाइलोक्लेट में फिफ्टीन सेकेंड हरिया स्टेम मॉडिफाइड इन टू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ओके सनलाइट एब्सॉर्ब करेगा तो जो भी फंक्शंस लीव करता है, so, right है, ठीक है? ऐसी स्टेम मॉडिफिकेशन जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है लीव्स का इट इज नोन एज फाइलोक् मोफोलॉजिकल फीचर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन चार में से तीन पार्ट्स आपके ऐसे हैं जो स्टेम्स की मॉडिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाल एक पार्ट ऐसा है जो स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है सोलह का क्वेश्चन नीट दो हजार सोलह का क्वेश्चन इनमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है वेरी सिंपल अगर आपने मॉडिफिकेशन ध्यान से पढ़ी है 15 राइट आंसर नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन लास्ट फाइव सेन्डल्स ऑफ कोकम्बर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक्सेप्ट पिक्चर ऑफ निपथिस हमें पता है इंसेक्टिवर प्लांट है

सेन का आपस कंडीशन है गायनोशियम की फ्यूज्ड कंडीशन है पिस्टल्स की ऐसे गायनोशियम आपको कौन से फ्लाज में मिलेंगे सोलन एसी फैबेसी पोएसी और लिली एसी नीट दो का क्वेश्चन ट्राई कापलरी सिन कापस गाइनोशियम फाउंड इन व्हिच फैमिली सोलन एसी फैबेसी पोएसी और लिली एसी फिफ्टीन सेकेंड अप जल्दी से लेट मी नो द राइट आंसर Yes. So नेचर कैसी है इट्स अ ट्राइमस फ्लावर ट्राइमस फ्लॉर का मतलब है कि दर्ल्स आर प्रेजेंट इन दी मल्टीपल्स ऑफ थ्री तो लिलियसी फैमिली का एग्जाम्पल वी है आपकी एनसीआर बुक के एग्जाम्पल कंडीशन कैन बी सीन ओके क्लियर सो यू कैन है लुक ट्राए कार्पुल एंड कार्पस कंडीशन ऑफ दाइट तो लिली फैमिली जो है मोनोकॉटिलडंस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ऑफकोर्स गायनोशियम की बात करें ट्राए कार्पुलरी सिंह कार्पस कंडीशन ओवरी इज सुपीरियर एंड लोक्यूल्स भी कितने प्रेजेंट है थ्री राइट तो सब के सब पार्ट प्रेजेंट इन दी मल्टीपल थ्री ट्रायरटेशन अगेन बच्चों प्रेसेंटेशन से एग्जाम्पल पूछा गया ठीक है डायरेक्ट फ्री सेंट्रल प्रेसेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है डायमोन ब्रासिका और सिट्रस नीट 2016 का क्वेश्चन फ्री सेंट्रल प्रसेंटेशन इज फाउंडा और सिट्रस हरियाण्स डायरेक्ट क्वेश्चन फ्री सेंट्रल प्रेसेंटेशन तो ऑलरेडी हमने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया एन सी आर टी बुक में इजिली एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रेसेंटेशन पार्ट थ्री टू वन टाइम अप

फ्री सेंट्रल कंडीशन ऑफ प्लासिल्टा फ्री सेंट्रल कंडीशन ऑफ प्लसल्टा क्लियर नेक्स्ट रेडियल सिमिट्री तो सिमिट्री रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एनिमल किंगडम में भी बहुत आते हैं और राइट तो रेडियल सिमिट्री कौन से फ्लॉर्स में देखने को मिलेगी एग्जाम्पल बेस्ड ब्रेसिका ट्राइफोलियम पाइसम और केशिया रेडियल सिमिट्री रेडियल सिमिट्री फाउंड इन द्लॉर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग

राइट रेडियल सिमेट्री की बात हो रही है इट कैन ऑल्सो कॉल इट कंडीशन ठीक है दैट्स एग्जाम्पल ऑफ तो हमारे पास गिवन था एक्चुअली ब्रासिका तो ब्रासिका इट मीन्स मस्टर्ड और राइट दूरा एंड चिली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियल सिमेट्री जब फ्लावर को हम दो इक्वल रेडियल हाफ्स में You know, divide कर सकते हैं बाय एनी प्लेन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ओके थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर सो वट एवर सिचुएशन इज जहां से भी आप लाइन क्रॉस करेंगे फ्रॉम सेंटर, इट इज गोइंग टू डिवाइड द फ्लार इन टू इक्वल हाफ जाइगोमोर्फिक में आप सिर्फ एक ही प्लेन में यू नो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते दैट्सोम टर्म पॉलिडलफस इज रिलेटेड टू वॉट तो बहुत सिंपल पॉली एंड एडल्फस दो टर्म से बना टर्म से है ये पॉली एडल्फस टर्म किससे रिलेटेड है गाइनोशियम एंड्रोशियम कोरोला और कैलिक्स नीट 2016 का क्वेश्चन पॉली एडल्फस सिचुएशन इज रिलेटेड टू गाइनोशियम एंड्रोशियम कोरोला और कैलिक्स नीट 2016 का क्वेश्चन सेकंड्स सेकेंड अप वेरी सिंपल पॉली मीन मैनी एडल्फस मीनस अ पर्टिकुलर मेल और फीमेल पार्ट ऑफ दैलिकॉट दर्स मीन मल्टीपल स्टेम स्टेम रिलेटेड टू द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज एंड्रोशियम ठीक है एंड्रोशियम से रिलेटेड है हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है इन फ्रॉम योर एनसीआर बुक डायरेक्टली

पिस्टिया पी और वीट वेरी सिंपल वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ए आई पी एम टी दो बहुत पुराना क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है बट लेट मी सी कौन बता पाता है प्रॉपर, यू नो क्वेश्चन को क्योंकि आपको रीजन भी साथ में लिखना है कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि बच्चों इन सिग्निफिकेंट रोल क्यों है रूट का इन एनी ऑफ फ्लावर जो भी आप चूज करोगे सनफ्लर पिस्टिया वीट और पी एंड वाइ विदीजन से बताएंगे राइट आंसर लेट मी नो फाइव फोर थ्री टू एंड वन अफकोर्स बच्चों यहां पर एक ही एक्वेटिक प्लांट हमें नजर आ रहा है दैट इज फिस्टिया ओके तो पिस्टिया में रूट्स का जो रोल होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट क्योंकि ऑलरेडी वाटर ड्वेलिंग प्लांट है एक्वेटिक मीडियम में ग्रो करता है पानी में ग्रो करता है तो जरूरत नहीं है उसको रूट एब्जॉर्ब रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन करने की तो सनफ्लावर टेरेस्ट्रियल प्लांट है पी एंड वीट इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल प्लांट तो ऑब्वियसली उनमें रूट्स का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है एक्सेप्ट पिस्टिया ओके क्लियर नेक्स्ट फ्लावर्स आर यूनसेक् इन यूनिसेक् करो कौन से प्लांट में मिलते हैं एंड है? हमने ये बहुत बारी एग्जाम्पल पढ़ा है इन द केसेस जहा हम यूनिसेक्चुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रमोट करना चाहते हैं मेलनेस ऑफ दी प्लांट और फीमेलनेस ऑफ दी प्लांट ठीक है तो यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों कुकम्बर केस में ठीक है कुकम्बर केस में कुर्सी फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है खीरा जिसको हम बोलते हैं ठीक है जितनी भी गॉडस होती है ऑल राइट बॉटल गॉड एंड ऑल दो ठीक है तो पंपकि हो गए तो इस वाली फैमिली में आपको यूनिसेक्चुअलिटी ऑफ फ्लावर्स नजर आएगी क्चुअलिटी ऑफ फ्लॉर होगी लेकिन प्लांट की कंडीशन कैसी होगी प्लांट कैसा होगा बायसेक् होगा दोनों फ्लॉर्स नजर आएंगे मेल एंड फीमेल बोल लेकिन they will be present separately. Flowers और पेस्टिलेट फ्लॉर्स होंगे ऑन दी सेम प्लांट ओके बायसेक्चुअल कंडीशन दैट इज मोनो एशियस कंडीशन ऑफ दी प्लांट यूनिसेक्चुअलिटी ऑफ फ्लावर्स क्लियर नेक्स्ट एक्साइल प्रेजेंटेशन देखो फिर से क्वेश्चन आ गया प्रेजेंटेशन से रिलेटेड दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन एग्जाइल प्लेसेंटेशन किस में मिलेगी लेमन पी और आरजीमोन मोन प्लेसेंटेशन किसका रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है लेमन पी और जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे डायंथस लेमन पी आरजीमोन मोन लास्ट फाइव सेकेंड हरिया फोर थ्री टू एंड वन अफकोर्स बच्चों डायरेक्ट एग्जाम्पल एनसीआर बुक का एक्साइल प्रेजेंटेशन इन सीन इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स राइट लेमन तो आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी गिवन है एक्साइल प्रेजेंटेशन से दैट यू फाइंड इट इन चाइना रोज टमेटो लेमन तो आप जब भी उसको यू नो ओपन करेंगे तो आपको ये प्रेजेंटेशन नजर आएगी प्रेजेंटेशन इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना रोज टमेटो एंड लेमन प्लांट ठीक है उउंड स्टेम right? ov so you know. lo okay? एक ऐसी मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम जो एडिबल है जिसको आप खाते हैं ए आई पी एम टी दो हजार चौदह का क्वेश्चन कैरेट ग्राउंड नट स्वीट पोटेटो और पोटेटो उट इट वेरी सिंपल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं से, है एंडल हैरियप वॉट द राइट आंसर कैरेट ग्राउंडनट स्वीट पोटेटो और पोटेटो फाइव फोर कंफ्यूज नहीं करना दो एग्जाम्पल्स के बीच में

कोलोकेशिया इन हिंदी अरबी ओके तो ये सब स्टेम्स जो है मॉडिफाइड है अपने अंदर क्या स्टोर करती है फूड ओके सो दीज आर स्टेम मॉडिफिकेशन क्लियर नेक्स्ट वेन पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करे विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एक पैटर्न में नहीं रैंडमली एक दूसरे को ओवरलैप करें इस कंडीशन को एस्टिवेशन की हम क्या कहते हैं ट्विस्टेड और दो हजार चौदह का क्वेश्चन तो बच्चों एस्टिवेशन भी सिग्निफिकेंट है ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ऑल दो बहुत पुराना क्वेश्चन है ए आई पी एम टी का बट स्टिल द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट तो चार तरह की एस्टिमेशन आपके पास दी गई हैं ऑलराइट कुछ एग्जाम्पल्स के साथ तो वो जरूर पढ़ें फिफ्टीन सेकेंड्स हरिया ट ट्विस्टेड और वेलवेट कौन सी कंडीशन ओवरलैपिंग से पेटल्स की लास्ट फाइव सेकेंड हारिये थ्री टू एंड वन टाइम आप ऑफकोर्स बच्चों जब मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है मे बी एक पेटल जो है एक सैपल जो है टोटली बाहर है एक सैपल और पेटल टोटली यू नो टोटली अंदर प्रेजेंट है लाइक दिस, टोटली अंदर प्रेजेंट है, और दूसरी कोई सेप्पल या पेटल है जो बहुत ही ओवरलैपिंग स्टेट में मतलब एक साइड उसकी इट इज इंटरनल टू दी अदर पेटल वाइल इट इज एक्सटर्नल टू अदर पेटल ओके तो कोई आपको पर्टिकुलर यहाँ पर यू you नो know, यू आर नॉट एबल टू सी डेफिनेट पैटर्न है आपको क्लियर पैटर्न नजर नहीं आ रहा या तो पैटर्न आउटर साइड पे प्रेजेंट है या इनर साइड पे प्रेजेंट है या फिर रैंडमली वर्ल्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट है थी थी। तो बच्चों इस तरह के सिचुएशन को इस तरह के एस्टिवेशन को हम कहेंगे इम्रिकेट एस्टिवेशन अगर ये ओवरलैपिंग पैटर्न एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में रन करता एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल लाइक दैट तो हम इसको कहते हैं

यस रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुलिस ध्यान से पड़े सारी स्टेटमेंट्स सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पोमिक मैंगो इज अ का फ्रूट इज इट प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोटीनेशियस प्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट इन बेस ग्रेन स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिनोड विच ऑफ देक्ट फिफ्टीन सेकेंड हरियप टू मार्क द इन करेक्ट वंस ऑड वन आउट निकाल दो

स्टराइल पिस्टल नो स्टरायल स्टेमन इज कॉल्ड ओके जिस स्टेमन में हमें सिर्फ फिलमेंट मिले एंथर ना मिले उसको हम स्टेमोड कह देते हैं जनरली सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग दाइट स्टेटमेंट दैट यू सी हेर इज एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन येस इट इज राइट मोनोकॉड्स केस में मेज इज अड राइट तो मोनोकॉड्स केस में आपको एक प्रोटीन एशियस लेर मिलेगी दैट यू कॉल्ड एल्यूरोन लेव हेयर सीड सीड का स्ट्रक्चर गिवन है right? so wall, है तो कोट और फ्रूट वॉल पर उसके जस्ट इंटरनल साइड पे आपको प्रोटीन रिच लेट एलिरोन ओके आउटर कवरिंग ऑफ कॉल्ड लेलॉन क्लियर सबको राइट नेक्स्ट इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर चाइना रोज में फ्लावर्स कैसे होते हैं नीट दो हजार तेरह का क्वेश्चन एक्टिनोमॉर्फिक

तो चाइना रोज क्योंकि बच्चों बहुत ही पेक्यूलर एग्जाम्पल है आपने इन इन केस केस ऑफ 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 भी भी पढ़ा है, of, you know, भी पढ़ा है है यू नो कंडीशन और आपने एस्टिवेशन तो पूछा गया था दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्टीन फ्रॉम नाउ अप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोफोलोजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यस अप फाइव फोर थ्री टू वन अफकोर्स बच्चो चाइना रोज मलवेसी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव ओके एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगी दैट इज रेडियल सिमिट्री कंडीशन मतलब ओवरी सबसे टॉप पोजिशन पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन मतलब ओवरलैपिंग होगी सारे वर्ल्ड की पेटल सेपल्स की इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर ओके तो आप मार्क कर लो अपनी एनसीआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल

ओके, विच मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल सो चाइना रोज एग्जाम्पल आपको तीनों केसेस में देखने को मिलेगा ओके चाइना रोज हेयर, हेयर एंड दिस पार्ट इज अ बिट यू नो क्रॉप्ड हेयर बट चाइना रोज इज एन एग्जाम्पल क्लियर सबको राइट ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइलोड इज प्रेजेंट इन ये आपकी एनसीआरटी बुक ओल्ड एनसीआरटी बुक में से

ऑफ कोर्स बच्चों द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एनसीईआरटी बुक का स्निप नोट कर सकते हैं आप इन सम ऑफ समी प्लांट ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीव्स बहुत छोटी होती हैं इनमें शॉर्ट लिव्ड होती हैं जो पिटियोल्स होते हैं इन प्लांट के वो एक्सपैंड कर जाते हैं ग्रीन हो जाते हैं और फूड सिंथेसाइज करने लगते हैं ओके सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फाइलोड फाइलोड सीन इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ओके क्लियर आप नोट कर लें यहां पे फाइव लोड बहुत पुराना क्वेश्चन है टर्म इज नॉट देर इन दी आर टी बुक बट क्वेश्चन पूछा गया था दैट्स हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है नेक्स्ट कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्वल इन टू तो ये क्वेश्चन नॉट ओनली फ्रॉम दी चैप्टर ऑफ ऑलरेडी हमने ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है दिस कैन ऑल्सो बी आस्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो कोकोनट वाटर और एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या रिप्रेजेंट करते हैं एंडोस्पर्म एंडोकाप मीजोकाप और एम्ब्रियो हरे वेरी सिंपल वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ही पेक्यूलियर एग्जांपल है 15 सेकेंड हरे कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्वल एंड टू व्हाट? एंडोस्पॉम एंडोकाप मीजोकाप और एम्ब्रियो फाइव फोर थ्री टू वन

ए वेक्सिलरी एस्टिवेशन अगेन बच्चों एस्टिवेशन से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्ट ए आई पी का क्वेश्चन कौन सी फैमिली की एस्टिवेशन पेक्यूलियर है जिसको हम बोलते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज इट फैबेसी एस्टरेसी सोलनेसी ब्रासिकेसी कम ऑन फैबेसी एस्टरेसी सोलनेसी और ब्रासिकेसी वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज़

फाइव पेटल्स होंगी लार्जेस्ट वन जो है जिसको हमने ऐसे बनाया था दैट इज स्टैंडर्ड पेटल इसके बाद दो लेटरल पेटल्स होंगी जिनको हम विंग्स कहते हैं और जो ये ओवरलैप करेंगी आगे वाली यू नो इंटीरियर पेटल्स को जो कि एक दूसरे से फ्यूज होंगे अंधे कील इस तरह के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वेगिलरी और पेपिलियोशियस एस्टिवेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पी बीन्स ओके सो मेंबर्स ऑफ फेबेसी में दिस इज स्टैंडर्ड स्टैंड पोस्टीरियरली पोस्टीरियर पोजिशन में होगी एंड देन वी हैव विंग्स, जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे इंटीरियर साइड वी हैव कील दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ठीक है तो लार्जेस्ट लार्ज एंड स्मोलर वन क्लियर नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक इन जाइगोमॉर्फिक कंडीशन ए आई पी एम डी दो हजार ग्यारह में पूछा गया था जाइगोमॉर्फिक इज बायोलेट्रल कंडीशन ओके बायोलेट्रल सिमेट्री गुलमोहर में देखने को मिलेगी टमेटो दतूरा और मस्टर्ड बायोलेट्रल कंडीशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच ऑफ दुलमोहर टमेटो दूरा और मस्टर्ड बायोलेट्रल सिमिट्री और जायगोमोर्फिक कंडीशन यस

Beans, केशिया. तो बेसिकली देखा जाए पी और बीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेबेसी फैमिली तो क्वेश्चन में आपको जब ऑप्शन दिए होंगे तो आपको सिंपली फ़ैमिली भी गिवन हो सकता है केशिया, ियर कंडीशन yeah? in हमें कौन से प्लांट में मिलेगी कौन से फ्लॉर्स में मिलेगी कुकंबर कॉटन गुआवा और पीच ए आई पी एम टी दो हजार ग्यारह का क्वेश्चन ओवरी हाफ इंफीरियर कंडीशन हमें कौन से फ्लॉर्स में मिलेगी कुकम्बर कॉटन गुआवा और पीच अपना राइट आंसर लिखिए सो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टाइनस एपीग कंडीशन से फ्लावर की पोजिशन ऑफ ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अफकोर्स बच्चों हाफ इंफीरियर कंडीशन हमें देखने को मिलेगी प्लम रोज एंड पीच में ओके प्लम रोज एंड पीच विच आर पेक्यूलियर एग्जाम्पल्स ऑफ हाफ इंफीरियर कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरीगैनस कंडीशन की बात हो रही है फ्लोरल पार्ट और सेम लेवल पे ऑलमोस्ट एट दी सेम लेवल पे लोकेटेड है ओवरी कैसी है हाफ इंफीरियर एग्जाम्पल था प्लम रोज एंड पीच प्लम रोज एंड पीच ओके क्लियर नेक्स्ट अ ड्रूप डेवलप ड्रुप तरह का फ्रूट हमें दो बार ही पूछा गया क्वेश्चन ए आईपीएमटी से दो हजार ग्यारह नाइनटीन नाइनटी फोर में भी पूछा गया था ड्रूप कौन से प्लांट में मिलेगा वीट पी टमेटो और मैंगो वीट पी टमेटो और मैंगो ड्रूप डेवलप्स इन ऑफ़ 15 हरी अप, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी से हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नेचर ऑफ दी पार्ट्स ड्रूप फ्रूट में ठीक है पेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है थ्री टू One time up, of of course the right answer here will be mango, mango coconut and mango representative of droop fruits. हमने इनके राइट आंसर है पढ़ा है फॉर ड्रूप फ्रूट्स ओके अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स ऑफ अभी हमने कुछ यू नो एस्टिवेशन में पढ़ा था कील के बारे में तो व्हाट इज कील एक्चुअली नीट 2010 का क्वेश्चन गुलमोहर केशिया कैलोट्रोपिस और बी स्टिक ऑफ विच ऑफ फ्लावर्स गुलमोहर के बीन फिफ्टीन सेट्स द राइट आंसर लेट मी नो हांजी गुलमोहर केशिया कैलोट्रोपिस और बीन फोर थ्री टू एंड वन टाइम अपर्स की कैरेक्टर फैमिली फेबेसी फैमिली में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड पेटल है दो हमारे पास विंग्स हैं, एंड एट द साइड वी हैव टू स्मॉलर पेटल्स दैट आर आर टू अदर कील, ओके? लेटरल विंग्स, एंड एट द पोस्टीरियर साइड वी हैव यू नो वन स्टैंडर्ड पेटल वन स्टैंडर्ड पेटल ओके स्टैंडर्ड पेटल पोस्टीरियर साइड पे इंटीरियर साइड और सेंटर में विंग्स ओके क्लियर सो वी हैव ऑलरेडी इट हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया वो जरूर मार्क कर दैट लिया और पी में मतलब कौन सी फैमिली फैमिली में फाइव टाइप्स ऑफ पेटल्स यू विल फाइंड लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैपिंग टू लेटरल कॉल्ड विंग और जो सबसे छोटी पेटल्स को ओवरलैप करेंगे इंटीरियर वंस कॉल्ड कील ओके सो कील इज फाउंड इन वेक्लरी एस्टिमेशन क्लियर नेक्स्ट टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंड्रोशियम ऑफ द फ्लावर टेक्निकल टर्म यूज फॉर दोशियम इन फ्लावर ऑफ चाइना रोज दैट इज रोजर साइना रिलेटेड क्वेश्चन है आपको बताना चाइना रोज में आपको मोनो एडल्फर्स कंडीशन देखने को मिलेगी डायडल्फस पॉली एंड्रस और पॉली एडल्फस विच काइंडीशन विल यू फाइंड इन चाइना रोज मोनो एडल्फस पॉली एंड्रस और पॉली एडल्फसन सेव एंड्रोशियम इन फ्लावर ऑफ चाइना रोज शोज मोनो डायर पॉलिडल्फस कंडीशन थ्री टू वन टाइम आप अफकोर्स बच्चों आपको देखने को मिलेगी मोनो एडल्फस कंडीशन दैट इज स्टेम एक ही सिंगल बंडल में अरेन्ज होंगे ओके सो स्टेमस में बी यूनाइटेड इन टू वन बंच और वन बंडल एंड दैट कंडीशन इज मोनो एडल्फस एज इन केस ऑफ चाइना रोज हम ऑलरेडी चाइना रोज का एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस एंड यू नो एस्टिवेशन में भी हमने पढ़ा था ओके ट्विस्टेड एस्टिवेशन में और अब लास्ट यहां पर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा दैट इज इन केस ऑफ मोनो कंडीशन ओके क्लियर सबको नेक्स्ट वॉट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी स्वीट पी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच फैमिली फैमिली किस तरह की हाउ डज अ पी फ्रूट लुक लाइक लाइक दिस वट काइंड शो एक्साइल फ्री सेंट्रल मार्जिनल बेजल सीबीएससी टू थाउजेंड सिक्स क्वेश्चन बहुत क्लियर टाइप ऑफ प्रेसेंटेशन आपके सामने फ्रूट ऑफ स्वीट पी सब ने देखा है फ्रूट स्वीट पी का तो सब लोग बता सकते हैं इजिली की किस तरह के प्रेसेंटेशन है फ्रूट में एक्साइल क्योंकि हमें ऑन दार्जिन ऑन दार्जिन ऑफ दस्ट सिंपली लेट मी नो व्हाट्स द राइट आंसर फिफ्टीन सेकेंड बहुत सारे क्लू दे दिए मैंने आपको ये वॉट्स द राइट आंसर एक्साइल Right ट्रल मार्जिनल और बेजल फोर थ्री टू एंड वन टाइम अपर्सर इज मार्जिनलेशन मार्जिन पे प्लस अरे से ओरिजिनेट कर रहे हैं हमारे यूनो ओव्यूल्स लिटिल लिटिल सीड्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस मार्जिन इट इज अजिनल प्रेजेंटेशन ओके नेक्स्ट फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट इज ग्राउंड नाम क्या बोलते हैं तो अगर आपको ग्राउंड नट की फैमिली पता है इफ यू अवेयर अबाउट द राइट फैमिली इट बिलोंग्स टू आप फ्रूट का नाम इजीली बता पाएंगे बेरी और नट कमऑन सेकेंड फ्रॉम नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको हिंट बता दिया यू कैन नेम द फ्रूट तो ग्राउंड नट कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है वो सोच लो थ्री टू वन टाइम अपर्स ग्राउंड नट बिलोंग्स टू यू नो लेके राइट काइंड ऑफ फ्रूट दैट इट है फ्रूट का नाम क्या लाएगा लेग यू नेक्स्ट एडेबल पार्ट इन मैंगो इज हमने मैंगो की पेरी काप को डिवाइड किया इंटू एपी काप एंडोकाप तो जो पार्ट हम एक्चुअली खाते हैं मैंगो में व्हाट इज दैट कोल्ड ए आई पी एम टी में दो बार पूछा गया क्वेश्चन दो हजार दो और दो हजार चार में इज इट मीजो कौन सा पार्ट मैंगो का एडिबल है एक्चुअली वट इज इट फिफ्टीन सेकेंड हारिय लॉजिकली भी सोचोगे तो यू कैन आंसर इट पेरिकॉप इज डिडेड इंटू एपीकाप मीजो का तो इसमें से हम कौन सा पार्ट एक्चुअली ईट कर सकते हैं दैट्स एडिबल थ्री टू वन टाइम अप ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज मीजो कप यू आर वेल अवेयर दैट इन अ मैंगो इन अ मैंगो एक्चुअली और तो सबसे बाहर वाला पोर्शन जो है दैट वी रिमूव दैट इज मोस्टली ग्रीनिश येलो पार्ट ठीक है तो ये ग्रीनिश येलो पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं दैट्स अ पीर दैट रिप्रेजेंट्स एपी कप एक्चुअली राइट इसके अंदर जो पोर्शन येलो वाला पोर्शन जो हम खाते हैं सीड लेट से दिस इज दीड ओके तो सीड के जस्ट बाहर विल बी एबल टू ऑब्सर्व अ पोर्शन दट इज क्वाइट सार इन टेस्ट ओके और बिल्कुल इसको सराउंड करता है व्हाइट पोर्शन ऑफ द सीड को ओके? दैट्स दैट्स एन एन साथ्यूज है तो जो पोर्शन हम एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ दैट्स द फ्लैशी पार्ट ऑफ दैट्स द एडिबल पार्ट ओके क्लियर सबको सो पेरिकॉप डिवाइडेड इंटू एपीका लेट मी राइट है ये तीनों किसके पोर्शन है किसके पार्ट्स हैं पेरी काप इज फ्रूट वॉल ओके सो दिस इज पेरीप ओके क्लियर सबको सब लोग नोट कर लें ओके सो चिल्ड्रन दैट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन जो हमने मोफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से प्रैक्टिस किए ऑल द होप आपको मजा आया आपको आइडिया लगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पे मोर अटेंशन टू प्लेसेंटेशन एस्टिवेशन हाइपोगा पेरी गाइनस एपी गाइनस ड्रूप फ्रूट ठीक है तो बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन थे मैं हूँ आपकी मास्टर टीचर करने का हम मिलते हैं एवरी वीक फ्रॉम ट्यूजडे टू फ्राइडे शाम को साढ़े पाँच से सात हमारा सेशन होता है जहाँ पर हम सारे के सारे पी वाई क्यूज प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम दी बायलॉजी सेक्शन तो आज जो हमने चैप्टर प्रैक्टिस किया दैट वीज मोफोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एंड वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम सम अदर चैप्टर टिल देन टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में